नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर दलित छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले 7 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद अब दलित छात्रों को पढ़ाई में उत्कृष्ट बनाने के लिए मदद करने की याद आ रही है। इतने सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री दलित छात्रों की मदद के लिए क्या कर रहे थे? पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इससे संबंधित कई आंकड़े भी पेश किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेल्प के द्वारा इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस आईपीएस बन पाए, आरटीआई में जवाब आता है नो इन्फॉर्मेशन। पैसा जा रहा है कोचिंग सेंटर्स को, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे चलने वाले कई इस तरह के इंस्टीट्यूट को पैसा जा रहा है, लेकिन पैसे के बाद हल क्या निकल पा रहा है, क्या परिणाम आ रहे हैं उस पर सरकार को कुछ नहीं पता है कि कितने बच्चों को आज तक उन्होंने शिक्षा में आगे बढ़ाया है। पोल नंबर 3, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों में 2 लाख बच्चे बढ़ गए, एक सफ़ेद झूठ उन्होंने बोला है। सच्चाई यही है, ये भी एक फैक्ट हमने पहले भी प्रस्तुत किया, आज फिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोविड से पहले स्कूलों की स्थिति ये थी, दिल्ली के जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे कांग्रेस के समय, शीलाजी के समय 2013-14 में, उस समय बच्चों की, छात्रों की संख्या थी 17.75 लाख छात्र। और आज जो वर्ष चल रहा है 2019-20 के, मैं आंकड़े बता रहा हूँ, मैंने कहा कोविड से पहले यानी 19-20 के बीच में ये छात्र घट के रह गए 16,65,000। अंदाजा लगाइए, जब कोविड शुरू नहीं हुआ था तब इसमें बच्चे की संख्या गिरी है, और आप कहते हैं हमारे स्कूल खुले, नए स्कूल खुले तो स्वाभाविक है छात्रों की संख्या, सीट बढ़ी होंगी, जब सीट बढ़ती है तो संख्या बढ़ेगी। यहाँ उल्टा हो रहा है, ये शिक्षा मॉडल है कि 17,75,000 की बजाय बच्चे रह गए 2019-20 में 16,65,000, संख्या गिर गई। और आप कहते हैं कि पिछले 1 सालों के दौरान वृद्धि हुई है, बच्चों की वृद्धि हुई है। सच्चाई यही है कि कोरोना के अंदर जो संकट उत्पन्न हुआ है, जो माँ बाप अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूलों में नहीं दे पा रहे, मजबूरन बस उन परिवारों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालने का काम सिलसिला जारी है, मजबूरन बस। रोजगार नहीं है, महंगाई की मार है, माता पिता परेशान हैं, मोबाइल नहीं है, कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई आगे करें, और जिसकी वजह से आज केजरीवाल साहब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो सरासर झूठ है। ये पोल नंबर 3 मैंने आपके सामने रखी है। सच्चाई यही कि दिल्ली के स्कूलों में वो माहौल या व्यवस्था नहीं है जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जाए, मजबूरन कोविड की वजह से बच्चों को जरूर सरकारी स्कूलों में डाला गया है। मुख्यमंत्री जी एक और झूठ बोलते हैं कल कि हम खूब मदद दे रहे हैं, हम ऋण दे रहे हैं बच्चों को और बगैर इंटरेस्ट के दे रहे हैं, वो भी एक सच आपके सामने मैं पोल खोलने का काम कर रहा हूँ। और बड़े दावे के साथ वो कहते हैं कि 10 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है, इस ऋण के द्वारा बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। सच्चाई ये है, इस योजना के नाम पर बड़े बड़े इश्तिहार प्रचार किए गए, अपना चेहरा चमकाया गया, लेकिन सच जब आपके सामने रखूँगा तो हैरानगी होगी, पिछले 7 वर्षों में लगभग 9,68,000 बच्चे तो 10वीं पास हुए, पिछले 7 सालों में 8,43,000 बच्चे 12वीं में पास हुए। और यदि नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।